तो दोस्तों, क्या वाकई में आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी ड्रेन होती है? क्या आपका मोबाइल का बैटरी जल्दी ख़त्म होती है? तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग देखिए। इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन होती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और आप लोग इस प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो दोस्तों, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोग ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और कैसे आपका जो मोबाइल का बैटरी है वो काफ़ी देर तक चलेगा। ठीक है, तो जो दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप लोग ये फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग का जो बैटरी है दोस्तों वो 2 से 3 दिन तक इजीली आप लोग चला पाओगे। आप लोग दोस्तों बहुत बड़ी गलती करते हो, जो गलती आप लोग को पता नहीं चलता है और जिस वजह से जो आपका बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होता है और आप लोग क्या कुछ भी नहीं करते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपका जो बैटरी है वो क्यों ज़्यादा देर नहीं चल पाती है और क्यों आपका फ़ोन भी इस वजह से हीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना है जिससे आपका जो बैटरी है वो काफ़ी देर तक चले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये गलती करते हो ना, तो आपका जो बैटरी है वो काफ़ी देर तक बिल्कुल भी नहीं चलेगा दोस्तों। ये दोस्तों क्या होता है कि 10 घंटे भी मुश्किल से चल जाते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम की वजह से होती है। ठीक है, अब आपका बैटरी नहीं टिकता है तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है? पहले रीज़न की हम बात करेंगे, तो वो पहले रीज़न की बात करते हैं दोस्तों। तो जो पहला रीज़न है वो ये पहला रीज़न ये है कि क्या करते हो कि आप लोग अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हो और चार्ज में लगाने के बाद क्या होता है कि आप लोग उसे 100% चार्ज कर देते हो, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो आपको मोबाइल को 100% चार्ज कभी भी नहीं करना है। जब भी आप फ़ोन को चार्ज करते हो दोस्तों, 95% तक चार्ज करो, उससे ऊपर मत करो। ठीक है, पहला मैं आपको बता दिया। अगर आप लोग ये सब फॉलो करते हो तो आपका जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, दूसरा रीज़न हम बताते हैं कि क्यों आपका जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होता है और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम आपको ठीक करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला, अगर आप बैटरी को फुल चार्ज करते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको 95% तक आपको चार्ज करनी है। दूसरी दोस्तों क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको जो बैटरी है वो क्यों जल्दी यहाँ पर ड्रेन होता है? तो दोस्तों वो प्रॉब्लम होती है, आप लोग अपने मोबाइल को कंटिन्यू आप लोग अपने मोबाइल को चलाते रहते हो, जिस वजह से क्या होता है कि हीट होता है। ठीक है, हीट होता है दोस्तों, और हीट होने से क्या होता है कि आपकी बैटरी हीट हो जाती है, और बैटरी हीट होने के बाद क्या होता है कि जो आपका बैटरी है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि आप लोग अपने मोबाइल को कंटिन्यू बिल्कुल भी चलाए मत करो। अगर चला रहे हो तो आप लोग देखो कि आपका फ़ोन ज़्यादा हीट ना हो। ठीक है, ज़्यादा हीट की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा हीट होता है तब आप लोग स्टॉप कर सकते हो। आजकल के फ़ोन में दोस्तों क्या हो रहा है कि अच्छे खासे प्रोसेसर वाले फ़ोन आ रहे हैं जिसमें दोस्तों हीटिंग का इशू तो बहुत ही कम आता है। ठीक है, तो उनका जो बैटरी भी चलता है, लेकिन अगर आपका ओल्ड मोबाइल है तो ये प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा दिन के बात करते हैं कि क्यों आपका जो बैटरी है वो जल्दी ख़त्म होता है। वो दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि दोस्तों मैं ये एप्लीकेशन है, मैं मैसेज वाले एप्लीकेशन, मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ये मैंने ओपन कर दिया है, जिसकी ये ओपन कर दिया, अब ये ओपन कर दिया, ये जो मेरा हिस्ट्री है दोस्तों ये हिस्ट्री में ही रह गया। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे हिस्ट्री उनका रहता है और हिस्ट्री को क्लोज़ ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग क्लोज़ नहीं करते हो ना, ये क्या करते हैं कि ये जितने भी हैं एप्लीकेशन, ये सारे आपके बैटरी को चूसते रहते हैं दोस्तों, चूसते रहते हैं बिना किसी काम को। तो यहाँ पर एक बार आपको क्लोज ऑल पर क्लिक कर देना हो, जैसे क्लोज ऑल पर क्लिक करोगे ये आपका एप्लीकेशन पूरा क्लोज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किस बहुत सारे लोग के मोबाइल में क्लोज़ का ऑप्शन नहीं आता है तो वो क्या करें? कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन हैं प्ले स्टोर पर, लेकिन देखिए दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन एक मैन्युअली मैं आपको बता देता हूँ, मैन्युअली मतलब आप खुद से कर सकते हो। जैसे कि ये एप्लीकेशन है, आपको अगर पता है कि ये एप्लीकेशन आपने चालू किया था तब ये चालू रहेगा, अपने आप ये बंद नहीं होता है। यहाँ पर आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप, देख सकते हो मेरा ऑटोमेटिकली स्टॉप है, तो ये ऑन रहेगा। ठीक है ना, तो इसे आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। इससे क्या होता है कि ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, स्टॉप होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे कि व्हाट्सएप मैं ओपन किया और इस पर प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ ऐप इन्फो पे, देख सकते हो ये फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आ गया, इसे आप लोग इसे स्टॉप कर दो, नहीं तो बैकग्राउंड में चलते रहेगा और आपका जो बैटरी है वो चूसते रहेगा। ठीक है, ये दोस्तों ये प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों यही मेन रीज़न होता है आपके बैटरी चूसने का, और जो मैंने आपको बताया वो आप लोग फॉलो करना, और फॉलो करने के बाद दोस्तों देखो कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और हाँ एक और मैं बता दूँ, अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करता है तो उसे आप लोग हटा देना, अगर नहीं हटाओगे तो वो प्रॉब्लम आएगी और आपका बैटरी चूसते रहेगा। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं है, यहाँ सारा क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने के बाद भी अगर ऊपर में शो करता है कुछ भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन, तो आप लोग जाकर स्टॉप कर दो, नहीं स्टॉप करोगे तो आपका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेटिंग करने के बाद आपका जो बहुत सारा जो बैटरी है वो बचेगा दोस्तों। तो बस इतना ही वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। बाय बाय।